नमस्ते भाई और बहनों, मेरा नाम डॉक्टर विपिन गोयल है। आज हम बहुत ही बेसिक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, कीमोथेरेपी। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं जिसको मैं कीमोथेरेपी एडवाइस करता हूं, बट अपने फ्रेंड्स फैमिली की बात सुन के वो कीमोथेरेपी नहीं लेते हैं। 3 मंथ के बाद फिर आते हैं पेशेंट तो फिट नहीं रहेगा, वो टाइम पे हम कुछ ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते हैं। जब मैं पूछता हूँ कि आपने कीमोथेरेपी क्यों नहीं लिया, उनका आंसर रहता है हम डर गए। जो लोगों के दिमाग में है कि कीमोथेरेपी जहर है, ये जहर नहीं है। कीमोथेरेपी एक सिंथेटिक केमिकल है जो अपने शरीर के जो भी डिवाइडिंग सेल्स है उसको जाके किल करता है। ऐसा ही हमको पता है, कैंसर है अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द सेल्स, सो सेल्स के मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, तो इसको स्टॉप करना है। इसको स्टॉप करने के लिए हमको कुछ देना है जो कीमोथेरेपी है, जो क्या करेगा, ये डिवाइडिंग सेल्स को स्टॉप भी करेगा और खत्म भी करेगा। जैसा हेयर फॉलिकल्स किल होंगे उससे आपको हेयर लॉस होगा, वो भी साइड इफेक्ट है, ये टेम्परेरी रहेंगे। जैसा हेयर लॉस, एब्डोमिनल पेन, उल्टी होना, आपके जैसे कीमोथेरेपी का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, आपके हेयर्स, आपका इंटेस्टाइनल के म्यूकोसा सब नॉर्मल हो जाएंगे। अगर कैंसर सेल्स नॉर्मल सेल से ज़्यादा किल हो रहे हैं, वो कीमोथेरेपी टॉलरेट कर सकता है, तो हमको कीमोथेरेपी देना है। अगर पेशेंट व्हीलचेयर पे आता है, फिट नहीं है कोई कीमोथेरेपी लेने के लिए, जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है और बेनिफिट कम है, उसको हम कीमोथेरेपी नहीं देंगे। तो आपको अगर कुछ डाउट है तो अपने फ्रेंड्स की फैमिली की मत सुनिए, डॉक्टर से डिस्कस करिए। जो भी डाउट है डॉक्टर से डिस्कस करके आप करेक्ट डिसीजन लीजिए। धन्यवाद।